देखो, ए मैन वॉक्स इन द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड वॉक्स फॉर 2 मिनट विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट तक 2 मीटर पर सेकेंड से चला है और 2 मिनट तक नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानेंगे देन वॉक्स फॉर टू मिनट, अगले 2 मिनट तक वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड निकाल। ठीक है ना? अरे यार जवाब दो यार, ऐसे मत करो, ये किसने किया ये? लक्षित आप जवाब नहीं दे रहे हो बेटा। अरे थोड़ा सही करो आप, इतने मिस्टेक कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस में। देखो आप 1 मिनट तक चले हो 2 मीटर पर सेकंड से, तो आप कितना चले हो बताओ? 1 मिनट चले हो आप 2 मीटर पर सेकंड से, तो आप कितना चले हो? कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी देख सकते हैं, या डीएस इज इक्वल टू वी डीटी इंटीग्रेट करेंगे तो वी बाहर आ जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होती है? वी इंटू डेल्टा टी। कैसे भी देखें आप हितेंद्र, बट गलती ना करें बेटा, ठीक है ना? डेल्टा एस क्या होती है? वी इंटू डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट स्पीड है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, वी कितना है आपका? 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना बोल रहा है? 1 मिनट, तो 1 × 60, तो 120 मीटर चले कि नहीं चले आप बताइए? पहले आप 1 मिनट में 120 मीटर चले या नहीं चले? ठीक है, तो देखो आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, 60 × 2 मीटर चले, अगले 2 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड से कितना चलेंगे? v इंटू डेल्टा t, तो 3 × 2 × 60, ठीक है, कितना हो गया आपका? 120 × 3 हो गया। क्लियर है एकदम? 2 मिनट में सेकंड होंगे 120 और स्पीड है v, तो आपका जो एवरेज स्पीड है पूरे इंटरवल की पूछिए आपसे, ये मानना है इसने लिख देता तो भी सही रहता, नहीं लिखा तब भी कन्वे है। फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, कि ये जो 3 मिनट के अंदर इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 3 मिनट की डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या देगा आपको? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट इंटरवल देगा कि नहीं? ठीक है ना, देखो इतना ही आएगा। ये कितना आ गया आपका? 180 आ गया नीचे, ठीक है, ऊपर कर देंगे 120, 4 × 120 480, हाँ, तो ये 80 × 3, 8 by 3 मीटर पर सेकेंड आपके एवरेज स्पीड के लिए। सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार और देखेंगे इस तरह का प्रॉब्लम। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी 20 km/h। जब स्कूल जा रहा था तब इसने अपनी एवरेज स्पीड निकाली। तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या है कि स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है? डी किलोमीटर है, ठीक है ना, तो स्पीड ऐसे निकाली होगी उसने, टाइम नोट किया होगा जाने तक का T1, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो स्कूल और उसके घर के बीच रही हो। ऑन दिस रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, रूट वही लिया मतलब डिस्टेंस वही रहेगी, इसकी डी चेंज नहीं होगी। देयर इज लेस ट्रैफिक बट एवरेज स्पीड इज 40, एवरेज स्पीड बढ़ गई, यानी वो सेम डिस्टेंस उसने कम टाइम में ट्रैक ट्रेवल करी होगी, तो डी अपॉन T2 आ। ठीक है बेटा, वॉट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? तो टोटल एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन बना ली जितना दे रखा था। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो अब मतलब जाने की स्कूल से, घर से स्कूल और वापिस आने की, इस पूरे इंटरवेल की, ठीक है ना, जाना स्कूल तक और वापिस आना, पहले गया फिर तुरंत वापिस आया, वहां कुछ रुका वुका नहीं, वहां का टाइम भी देता, वो भी ऐड हो जाता टोटल टाइम, पर दिया नहीं। ठीक है, तो स्कूल गया, कुछ हुआ होगा, फिर वापिस तुरंत आ गया है, तो इसमें आप बताओ कि उसकी टोटल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2 लगा कि नहीं? टोटल बताइए, टोटल टाइम और टोटल, हाँ, टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी और डी वापिस आना, 2D डिस्टेंस ट्रेवल करी कि नहीं, और टोटल टाइम कितना आएगा? T1 प्लस T2 होगा कि नहीं? बोलिए बेटा, क्लियर है बात? Yes, sir. और T1 और T2 आप यहाँ से उठा के रख दो, उसके T1 डी अपॉन डीएस बाय 40 आएगा सर, T1 प्लस T2। हाँ बिल्कुल, जैसा भी आएगा आप यहाँ पे रखेंगे इसको, और डी कट जाएगा। ये नोट कर रहे हैं कि नहीं? आप सोचेंगे डी तो गिवन नहीं है, पहले से करके बैठ जाए सर, डी तो गिवन नहीं था, कैसे निकालो? वो कट गया ना बेटा, जरूरत क्या देने की, इस बात को समझिए आप, ऐसी गलती मत करें। ठीक है ना, डी आपने मान लिया तो वो क्या हो गया? अपने आप कट गया, अब डी कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करना आपको आता है वो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, वो सॉल्व करना आपको आता है वो मैं कैसे सिखाऊंगा? तो ये आ जाएगा आपका D/20, इसने एस ले लिया है, D/40, ठीक है, 3S/40, ऊपर डिस्टेंस 2D आ गई,
ठीक है, तो आपका 80/3 है, 26.67 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम एवरेज स्पीड कर रहे हैं, फिर हम इंस्टेंटेनियस करेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड में इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके बन सकते हैं। एक और एवरेज स्पीड का मैं कराना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा आपका, इस वाले का आंसर बताइए बिना देखे, एक बार कोशिश करें आंसर निकाल।